सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा मजेदार मिशन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो और पहली बार मेरी एक GTA 5 की वीडियो देखी है, मतलब इससे पहले आपको GTA 5 के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता ना, तो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला GTA 5 की वीडियो का, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि GTA 5 में मतलब कौन कौन से करेक्टर और कैसे कैसे खेलते हैं। तो आपको उससे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा और समझ में आ जाएगा GTA 5 में आखिर होता क्या है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, तो जरूर जाकर देख लेना एक बार। ओके, अब मैं थोड़ा ना आपको फर्स्ट पार्ट का रिकैप करा देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट की स्टोरी में हुआ क्या था। तो फर्स्ट पार्ट में जो साइमन है हमारा, उसने फ्रैंकलिन को मिशन दिया था एक गाड़ी चुराने का। तो फ्रैंकलिन वो गाड़ी चुराने के लिए जाता है, लेकिन वो गाड़ी निकल जाती है माइकल की। भाई वो माइकल की गाड़ी चुरा के आता है और माइकल उसको गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन फ्रैंकलिन उसको बोलता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, मुझे किसी और ने भेजा गाड़ी चुराने के लिए। तो माइकल उसके बाद साइमन को जाके बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके आगे की स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। तो चलो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, साइमन की धुलाई करने के बाद माइकल अब फाइनली अपने घर आ चुका है। और भाई साइमन को जो धोया है ना माइकल ने, भाई मुझे नहीं लगता अब आगे से साइमन कभी भेजेगा किसी को माइकल की गाड़ी चुराने के लिए। मतलब माइकल के पास भी नहीं भटकेगा भाई अब तो साइमन। भाई एकदम से सुबह क्यों होगी भाई, चलो कोई ना, देखते अब क्या होता है। भाई इनके घर से हमेशा गालियों की आवाज़ क्यों आती है। गाइस ये दोनों मैं बता दूँ कि ये माँ बेटी है, मतलब ये जो वाइट वाली है वो माइकल की पत्नी है, और जो दूसरी वाली थी जिसके पास कपड़ों की थोड़ी कमी थी वो है, वो माइकल की बेटी है। अभी आपस में लड़ते रहते हैं और माइकल इसी चीज़ से परेशान है कि इसकी फैमिली मतलब इसके साथ उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग है नहीं फैमिली के। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो माइकल चिल कर रहा है। भाई देखते हैं आगे क्या होता है। माइकल ने ईयरफोन्स लगा लिए अपने कानों में, मतलब इसको कोई चिंता नहीं है घर की, ऐसी बात नहीं, घर की चिंता है इसको, लेकिन अभी चिल कर रहा है भाई। जीते सो गया भाई। भाई आगे मिशन भी तो होगा ना कोई, क्या मिशन है भाई, ऐसे सो के थोड़ी मिशन होगा। ओ हो, फ्रैंकलिन आ गया भाई यहाँ पे। फ्रैंकलिन ने ही मतलब माइकल की गाड़ी चुराई थी, लेकिन इसमें फ्रैंकलिन की क्या गलती है, क्योंकि फ्रैंकलिन को किसी और ने भेजा था गाइज, और फ्रैंकलिन तो बस अपना काम करने आया था जो उसको बोला गया था। अब देखते गाइज इनके बीच में क्या बातचीत होती है। बैठो फ्रैंकलिन, बैठो। फ्रैंकलिन उसको बोल रहा है भाई कि मेरी क्या गलती है भाई, मैंने तो बस गाड़ी चोरी की किसी और के कहने पे। A few moments later. तो गाइस माइकल और फ्रैंकलिन के बीच बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो चुकी है, और मुझे तो इतना समझ आया कि अब फ्रैंकलिन जो है वो माइकल के लिए काम, मतलब माइकल के साथ काम करेगा, अब साइमन के साथ काम नहीं करेगा। अब मतलब माइकल और फ्रैंकलिन बड़ी बन चुके हैं। अब देखते हैं गाइस, मैं माइकल जा रहा हूँ। अरे जिमी का कॉल है गाइस, जिमी जो है वो माइकल का बेटा है। यार ये जिमी भी ना गाइज, हमारी जो माइकल की जो बोट है वो चोरी हो चुकी है गाइज। और माइकल की किस्मत तो देखो गाइज, अभी रात को ही उसकी गाड़ी चोरी हुई थी और अब उसकी यॉट चोरी हो गई, मतलब बोट चोरी हो गया है। यार गाइज अब तो माइकल को और फ्रैंकलिन को उसको बचाने जाना पड़ेगा। दिक्कत ये नहीं है कि उन्होंने बोट चुराई है, बात यह है कि बोट में जो है वो मतलब जिमी भी था, और अपना बेटे को यार कौन प्यार नहीं करता, तो माइकल को भी अपने बेटे से प्यार है। मेरी ड्राइविंग भी उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है गाइस, आपको ना मैप में दिखाई दे रहा होगा हमें कहाँ जाना है, हमें ना बोट का पीछा करना है, लेकिन बोट है कहाँ पे गाइस, देखो मैप में दिखाई दे रहा होगा आपको, हमें बोट पे जाना है। देखो गाइस ड्राइविंग तो मतलब हैवी ड्राइवर तो हूँ मैं, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी ड्राइविंग मेरी है नहीं चलना। अरे यार ये गाड़ी भी कैसी है, और गाइस ये गाड़ी मेरी नहीं है, मतलब माइकल की है, लेकिन माइकल की बीवी की है, तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता इसके साथ तोड़ फोड़, क्योंकि माइकल की बीवी फिर आपको बताइए कैसे चलाती है। लेकिन गाइज मेरे GTA 5 की वीडियो में उतना अच्छे व्यूज़ आ नहीं रहे यार, तो यार आपसे एक हेल्प चाहिए मुझे। एक तो सबसे पहले अगर आपको GTA 5 की वीडियोस देखना पसंद है यार, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो यार, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और दूसरा सबसे मेन, लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन यार शेयर जरूर कर देना वीडियो को, क्योंकि शेयर करने से क्या कि मेरे थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाएंगे, थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा। अगर आप 5 बंदों को भी व्हाट्सएप पर शेयर करते हो GTA 5 की वीडियो, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और वो आगे 5 बंदे और 5 को शेयर करेंगे, तो ऐसे बहुत अच्छा नेटवर्क बन सकता है भाई, हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो सकती है। तो इस फैमिली को आप भी ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब करके, और बाकी और बंदों को भी शेयर करके जोड़ दो। लेकिन अभी फिलहाल सॉरी यार इतना टाइम ख़राब कर दिया आपका, लेकिन फिर भी यार बोलना ज़रूरी था। अभी मुझे उसका बोट का पीछा करना है। अब आप लोग सोच रहे हो भाई बोट यहाँ पे ज़मीन में क्या करिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है गाइस, मैप में आ रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। वो देखो 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 गाइस सामने, देखो सामने बोट जा रही है वो ट्रक के ऊपर। वो भाई कितनी फास्ट जा रहा है भाई, वो इतना इतना फास्ट ट्रक भाई मैंने इंडिया में तो कभी देखा नहीं, अमेरिका में कैसे दौड़ने लग गए। मुझे ना फ्रैंकलिन को बोट के पास ले जाना बिल्कुल ट्रक के पास, ताकि फ्रैंकलिन इसके ऊपर चढ़ जाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के ऊपर यार सबसे बड़ी बात कि जिमी है गाइस माइकल का बेटा। अरे फ्रैंकलिन चढ़ जाओ ऊपर, चलो फ्रैंकलिन गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। अब मुझे ना गाड़ी बिल्कुल इसके पास ले जाने ट्रक के पास, लेकिन ट्रक यार इतनी फास्ट चल रहा है यार, बड़ी दिक्कत आ रही इस चीज़ से मुझे। फ्रैंकलिन ब्रो चढ़ जा ट्रक के ऊपर।
अरे चढ़ जाना ब्रो। ओह चलो चलो चलो, फाइनली गाइस फाइनली माइकल ने फ्रैंकलिन को ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन यार ये लोग पता नहीं कैसे चल रहे हैं भाई, यहाँ पे हर कोई गाड़ी ठोक रहा है बिल्कुल गाड़ी के आगे मेरी। फ्रैंकलिन को फाइट चल रही है भाई वहाँ सामने टकले के साथ। अरे फ्रैंकलिन ब्रो मारना उसको, क्या कर रहा है, नीचे गिरा दे उसको। बोट में एक ही बंदा है क्या? मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन गाइस मेरे ख्याल से और भी बंदे होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही बंदा है। अरे यार ये मैं ऊपर से ना सिनेमैटिक शॉट ले रहा हूँ, मतलब इनकी फाइट के, तभी आपको देख पा रहा है। मैं इस वक्त माइकल हूँ, आपको पता नहीं होगा अगर जो थोड़े बहुत नए प्लेयर हैं, मतलब नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं। लेकिन माइकल 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 यार फ्रैंकलिन क्या कर रहा है ब्रो? चलो 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 चलो, फाइनली बंदा नीचे गिर गया। अब मेरे ख्याल से कोई बोट में है भी नहीं, अब तो मेरे ख्याल से ये बोट को भी छुड़ा लेगा और जिमी को भी छुड़ा लेगा। लेकिन जिमी है कहाँ पे भाई? अरे वहाँ पे एक और बंदा है क्या? कौन है भाई वो? वो दूसरा बंदा है गाइस। यार बोट में मुझे पता था और भी बंदे होंगे। चलो मुझे ना शूट करना पड़ेगा। अरे शूट कर, चलो ओ चलो। अरे यार ये व्योट कितनी फास्ट भाग रही है, मुझे ना कहाँ है कहाँ है ये? देखो जिमी 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 सामने देखो, ये कैप में जो है जिमी है ये। चल जिमी आ जाना, अरे आ जा। अरे यार जिमी शेट भाई, बड़ी दिक्कत होगी। जिमी देखो लटक रहा है नीचे। यो भाई अरे रे 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 रे, दिक्कत होगी तो। चल चलो, अरे यार मैं गन भी चला रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है इन बंदों के ऊपर। जिमी जिमी आ जा बेटा, आ जा आ जा। ओ चलो चलो, जिमी को तो कैच कर लिया। फ्रैंकलिन की बारी, लेकिन फ्रैंकलिन ब्रो उनको कुछ करना। चलो चलो, मेरा इशारा देखो कितना खतरनाक है, कितने बंदों को मैंने गन से मार दिया गाड़ी से। फ्रैंकलिन ब्रो तू भी आ जा, लेकिन यार मुझे बोट भी तो चाहिए। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन आ जा आ जा आ जा आ जा। चलो अब मुझे बस इसको बोट को पकड़ना है, जो मेन काम था जिमी को छुड़ाना वो तो हो गया, बस बोट भी चाहिए मुझे। यार बोट काफ़ी महंगी है, छोड़ूंगा नहीं भाई बोट को, नहीं तो भारी नुकसान हो जाएगा। ये गाड़ी को क्या हो रहा है भाई? अरे 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 यार ये, अरे खटारा गाड़ी भाई, बाहर में जाए खटारा गाड़ी। अरे शेट भाई, यार शेट भाई, यार बोट गई भाई मेरी, यार शेट। अब मुझे वापस से यार लॉस एंटोस जाना पड़ेगा गाड़ी ठीक कराने के लिए, ये बड़ी दिक्कत हो गई यार। ये शेट भाई बोट छूट गई भाई, आज इस बात को बड़ा कुछ दुख हो रहा है मुझे भाई। या माइकल बहुत गुस्सा है गाइस बोट के लिए, जिमी के ऊपर, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं जिमी की गलती है इसमें। यार मुझे भी दुख हो रहा है यार बोट का तो। शिट भाई, कोई ना गाइस, लेकिन अब तो लॉस एंटोस ऑफिस चलते हैं। लॉस एंटोस मतलब जहाँ इसका घर है शहर में। चलो फाइनली गाइस हम लॉस सेंटोस भी पहुंच चुके हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात ये आ चुकी है कि भाई ये जो गाड़ी है ना माइकल की बीवी की है, अमेंडा की, और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है माइकल पे, इसलिए पहले इसको ना कार शॉप पे, मतलब जो ठीक करने वाली दुकान है वहाँ पे ले जाकर ठीक करानी पड़ेगी, नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और माइकल ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए अब जिमी और फ्रैंकलिन ये ठीक करा के आएंगे गाड़ी को यहाँ से, और यहाँ से माइकल टैक्सी में जाएगा। चलो टैक्सी बुला लेते पहले गाइस, जो टैक्सी आ चुकी है। अभी तक तो मैं माइकल हूँ, बस मुझे घर जाना है, इतना ही काम है मेरा, और फ्रैंकलिन और जिमी को बस एक गाड़ी ठीक करा के आनी है। माइकल तो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चल गया यार उस बोट की वजह से, अब बोट काफ़ी महंगी थी ना वो, इसलिए। ये 24 ऑटो रिपेयर शॉप इसका गाड़ी का मतलब शॉप का नेम है, और ये अंदर बंदा है जो यहाँ पे काम करता होगा मेरे ख्याल से, और ये मेरी गाड़ी मेरे ख्याल से ठीक करेगा। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा इससे आगे। ओ चलो, अब मैं ना फ्रैंकलिन के अंदर आ चुका हूँ, अब मुझे इस गाड़ी को ठीक करनी है, मतलब अभी तक मैं माइकल था, अब मैं फ्रैंकलिन बन चुका हूँ, अब मुझे इस गाड़ी को बस रिपेयर कराना है। चलो अब क्या करना है, वो देखो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी गाड़ी है, और इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या है। और चलो इसे सिलेक्ट करते हैं, मुझे क्या करना है भाई, मुझे क्या ठीक कराना है भाई इसमें, जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा हो जाएगा। इंजन एग्जॉस्ट सब कुछ ठीक करना, मुझे तो ये स्टॉक एग्जॉस्ट लगाना है क्योंकि यहाँ पे धुआं ज़्यादा निकल रहा है। ओ भाई देखो आवाज़ देखो क्या मस्त है गाड़ी की, पैसे देखो भाई कितने महंगे हैं ये सब लोग, लेकिन ठीक है मुझे, मेरे लिए तो ये सही है।
मेरे ख्याल से सही है यार, गाड़ी बस थोड़ी बहुत ठीक जो करनी थी वो कर दी मैंने। ऐसे मैं ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता अपने। चलो अब गाड़ी ठीक हो चुकी है, अब मुझे इसको माइकल के घर छोड़ के आना बस, गाड़ी को बस इतना ही मिशन है मेरा। चल भाई माइकल के घर में, बस इसको ना मुझे कहीं ठोकना नहीं है भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी अभी ठीक कराई भाई गाड़ी मैंने। अभी फ्रैंकलिन और जिमी आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं, लेकिन अभी ये बातें करें एक दूसरे को तो मुझे लगता है अच्छी तरह से जान जाएंगे एक दूसरे को। एक तो इनकी बातें भी थोड़ी अजीब सी होती है, अरे आपस में क्या बातें करते रहते हैं। और मुझे गाड़ी को ध्यान से चलाना, बिल्कुल ठोक दी तो दिक्कत हो जाएगी भाई। अरे 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 भाई, ओ भाई को पुलिस ना आ जाए बस यहाँ, मुझे सेफ्टी से ले जानी है इसको गाइस। गाइस बहुत लंबा रास्ता है इसलिए मैं गाइस यहाँ पे कट कर रहा हूँ, सीधे अब माइकल के घर में मिलता है। अगर आप लोग कमेंट में बताना, अगर आप लोग को पूरा रास्ते में ऐसे ड्राइविंग करते हुए मुझे देखना तो कमेंट में बता देना, थोड़ी बहुत सजेशन दे देना मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी चलो माइकल के घर में मिलते हैं सीधा। चलो गाइस फाइनली मैं माइकल के घर में पहुंच चुका हूँ। ये माइकल का घर है गाइस, जहाँ से मैंने पिछले पार्ट में अगर वीडियो आपने देखी होगी तो यहीं से मैंने गाड़ी चलाई थी माइकल की। लेकिन अब माइकल उससे गुस्सा नहीं मुझसे बिल्कुल भी नहीं, माइकल तो बल्कि दोस्त बन चुका है फ्रैंकलिन का। चलो ये जिमी बड़ा अजीब किस्म का आदमी है भाई। चलो मेरा काम तो पूरा हो गया, मैंने गाड़ी छोड़ दी, लेकिन ये जिमी बोल रहा है भाई कि इसके साथ मस्ती करो, क्लब चलो इसके साथ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा भाई। नहीं फ्रैंकलिन इंटरेस्ट नहीं, फ्रैंकलिन यार सिग्मा मेल है। चलो ये इतनी अच्छी दोस्ती होगी भाई। फ्रैंकलिन तो उसको भाई मानने लग, मतलब जिमी तो फ्रैंकलिन को भाई मानने लग गया, लेकिन अब क्या करना, अब मेरे ख्याल से मिशन पूरा हो गया मेरा। ओ भाई मिशन पास हो गया। तो गाइज ये रहा आज का मिशन, और अब आगे वाली वीडियो में मिलते हैं। बस आप मुझे ना सजेशन दे देना यार कि किस तरह से मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अभी अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे यार आप लोग बस एक काम कर देना, वीडियो को लाइक करना, लेकिन वो भी मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार। पांच बंदों को व्हाट्सएप पे शेयर करना, उनको भी बोलना आगे पांच को शेयर करें, तो हमारी फैमिली थोड़ी बढ़ जाएगी। और उन्हीं बंदों को शेयर करना जो GTA 5 की वीडियोस देखने में इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्टिंग हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। तो ज़्यादा पक्का आता नहीं आपको, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।